महाराष्ट्र राज्यात सध्या पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पिके वाळून जायच्या मार्गावर असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून जाण्याच्या मार्गावर असल्याने सरकार देखील चिंतेत असो अथवा नसो मात्र सर्वसामान्य जनता मात्र चिंतेत आहे। त्यामुळे बळीराजाची खरीपाची पिके करपून जाऊन शेतकरी आर्थिक संकटात सापडू नये म्हणून गंगापूर तालुक्यातील शिंगी येथील मुस्लिम बांधवांनी आज शुक्रवार रोजी जुम्मे की नमाज सकाळी 7:30 अदा करून अल्लाहकडे पावसासाठी प्रार्थना करून मुसळधार पाऊस पडून पिकांना जीवनदान देण्याचीही याचना केली। सर्व मुस्लिम बांधवांच्या वतीने नमाज अदा करणारे शिंगी हे महाराष्ट्रातील पहिले असे गाव आहे की पावसासाठी सर्व मुस्लिम बांधवांनी शेतकरी बांधवांसाठी सामुदायिक नमाज पठण केली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बिरादरों ने वतन को इत्तला दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंगी के अंदर नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी गई इसके अंदर अवाम माशाल्लाह खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। सभी लोग जमा हुए और इसके अंदर आज के जो तकरीर थी उसके अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार के ऊपर और अपने गुनाहों पर नादिम होने के लिए थी। और इसके अंदर नमाज इस्तिस्का के अंदर माशाल्लाह इमाम साहब ने बहुत अच्छी दुआ भी की, सब लोगों ने तौबतुल्लाह की और बहुत अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा। ये मुख्तसर सिंगी की तरफ से पेश की जाती है।